अब उस न्यूमेरिकल को हम कंटिन्यूट कर रहे हैं कि किस तरीके से मेथड वन से हमने उसको सॉल्व किया था। अब मेथड टू पे देखिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। हम लोग अप्लाई करेंगे आरएसएस। आरएसएस नाम भी आपको याद रहेगा, आरएसएस काफ़ी फेमस भी है, ठीक है। और एक चीज़ और बेटा, इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में जो हमने आपको बताया था कि ये जो हम आपको कंप्रेस करते समय जो डिवाइड करते हैं ना, ये डिवाइड आप मन में करिएगा, क्योंकि ये 1/2 स्टेप हमने यहाँ पे लिखा है। तो पहले तो ये प्लस वन था और ये -3 था, तो हमने जब इसको डिवाइड किया है तो एक इससे अच्छा ये रहेगा ना, आप एक स्टेटमेंट लिखिए कि जो है सिग्नल है हमारा वो कंप्रेस बाई 2 से हो रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 1 से हमने 2 को क्या किया है, कंप्रेस कर दिया गया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। पहला स्टेप था कि हमने रिवर्स कर दिया, और यहां पे स्टेटमेंट में लिखा जाता है एक्चुअली ये सब अबाउट वर्टिकल एक्सिस, जिससे जो है ये चीजें और भी लोगों को समझ में आए कि आप कर रहे चाह रहे हो। अब हमने लास्ट स्टेप अप्लाई किया था, स्केलिंग कर दिया था और रिवर्स कर दिया था, शिफ्टिंग किया था, सॉरी दिस इज द शिफ्टिंग। पहला हम लोगों ने SSR यूज किया था, शिफ्टिंग किया था, देन हमने यहां पे क्या किया था, सिग्नल को रिवर्स कर दिया था, ठीक है। अब हम आते हैं मेथड टू पे अपने। मेथड टू पे आते हैं। मेथड टू पे हमें क्या करना है, आरएसएस लेके चलना है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने लायक बेटा ये है कि आरएसएस रिवर्सल डायरेक्ट नहीं कर देते हैं। आप डायरेक्ट करोगे ना तो एक न्यूमेरिकल में आपका काम बन जाएगा, दूसरे न्यूमेरिकल में भी आपका आंसर सही हो गया, लेकिन हर बार सही नहीं होगा। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि रिवर्स करते समय हमें रिवर्स और स्केलिंग ये दोनों ऑलमोस्ट एक साथ होते हैं। अगर इनको आप कंफ्यूज करोगे तो गलत हो जाओगे। जैसे अब हमें करना है कि पहले हमको रिवर्स करना था, तो इस पूरे माइनस को बाहर लेना पड़ेगा, तो यानी कि सिग्नल इस तरीके से जाएगा, एक्स ऑफ माइनस बाहर लीजिए कि हो जाएगा 2t-1। पहला स्टेप ये होगा हमारा, हमने माइनस को सबसे बाहर लिया है, तो जब माइनस को हमने सबसे बाहर लिया तो हमारा आर वाला परफॉर्म होगा, यानी कि अब ओरिजिनल सिग्नल हमारा क्या था बेटा, ये था। इस सिग्नल को रोटेट कर दीजिए, क्योंकि माइनस कहां पे लिया गया है, ब्रैकेट के इनसाइड लिया गया है। तो जैसे ही सिग्नल को हम रोटेट करेंगे तो देखिए सिग्नल हम यही बना दे रहे हैं, समझिएगा इस न्यूमेरिकल को आप लोग। रोटेट करने का मतलब क्या है, चूंकि ये एग्जांपल ऐसा था -2 से +2, तो ये जब रोटेट भी होगा तो भी -2 से +2 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा बिलाल, क्योंकि डिजिट हमने ऐसे ही ले रखी थी इस न्यूमेरिकल में बाय डिफॉल्ट, कि पहले स्टेप में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिवर्सल परफॉर्म हो गया है। अब हमें परफॉर्म क्या करना था, स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब टी का कोफिशियंट जो है ना वो पूरा बाहर आना चाहिए, सिर्फ 2 के स्केलिंग का मतलब 2 से कंप्रेस नहीं करेंगे, पहले 2 को बाहर लाएंगे, यानी कि अब हमारा जो परफॉर्म होगा एक्स ऑफ माइनस कॉमन ले लिया होगा आपने, तो यहां तो टी बचेगा लेकिन यहां पे -1 नहीं रहेगा, क्या बचेगा, -1/2 बचेगा, 2 बाहर चला जाएगा। अब ये 2 से कंप्रेस हो रहा है, अब जब ये 2 से कंप्रेस होगा तो आप देखिएगा कि कंप्रेस बाई 2 तो ये +2 था, तो कितना हो जाएगा बेटा, -2 से -1, और ये 1 पे आ जाएगा, ये -1 पे आ जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या बचा है, शिफ्टिंग। अब आप देखिए शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग में यहां पे माइनस लगा हुआ है। अब आप ओरिजिनल को मत चलिएगा यहां पे, अब आपको ओरिजिनल पे नहीं जाना है कि +1 एडवांस करेंगे, अब हमारा पूरा सिनारियो चेंज हो गया है। अब हम शिफ्टिंग डिले के फॉर्म में करेंगे। डिले कितने से हो रहा है, 1/2 से। हमने आपको पढ़ा था डिले में बॉक्स उतने यूनिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि ये -1 पे था, ये आधे यूनिट और आगे की तरफ आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कहां पहुंच जाएगा, 1 सा था तो -1/2 पे आ जाएगा, ये आ गया हमारा -1/2, और ये 1 कहां चला जाएगा, ये 3/2 पे चला जाएगा। तो आप देखिए
कहीं पे भी अगर आपने बेसिक कुछ गलती ना किया हो तो क्या ये बॉक्स और ये बॉक्स सेम है? बिल्कुल सेम है। ये भी देखिए माइनस वन बाई टू से है, ये भी माइनस वन बाई टू पे है, ये भी थ्री बाई टू पे है, ये भी थ्री बाई टू पे है। यानी कि आप चाहे मेथड फर्स्ट अप्लाई करिए, आइदर मेथड सेकंड अप्लाई करिए, जिसमें आप कंफर्ट जोन में हो वही आप करिएगा। मैंने ये प्रूफ करके दिखा दिया है कि करते समय ध्यान रखना है, अगर आपने पहले रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो वो माइनस सबसे बाहर लिया जाएगा, अगर आपने स्केलिंग उसके बाद किया है तो वो स्केल्ड बाहर आके पूरे टी के फंक्शन में करेगा वो। आप ऐसा मत करिएगा कि टू से स्केल्ड करके इसको वन रहने दीजिएगा, ये माइनस वन बाई टू हो जाएगा। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल आएंगे जो आप लोग करिएगा, और कुछ न्यूमेरिकल आप मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूं कि जैसे एक्स ऑफ माइनस टी प्लस वन करके दिखाइए, एक्स ऑफ वन प्लस टू टी करके दिखाइए, इस तरीके से दिया रहेगा, तो आपको बनाना होगा। एक्स टी हमें हमेशा आपको दिया रहेगा और आपसे एक नया सिग्नल वो फॉर्मेशन करने के लिए कहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों मेथड। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे ये एक इस चैनल पे हमने जो वीडियोस डाले हैं आप उस पर कमेंट में लिख के भेज दीजिए कि सर इस प्रॉब्लम में एक डाउट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको फर्दर डिटेल में डिस्क्राइब कर देंगे, जिससे आपके पास जो है इससे कॉन्सेप्ट पहुँचता रहे आपके पास, और आप लोग की स्टडी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, थैंक यू।